કચ્છના અતિ સંવેદનશીલ ગણાતા હરામી નાળા વિસ્તારમાં બીએસએફ દ્વારા મેગા ઝુંબેશ હાથ ધરી અને છેલ્લા 34 કલાકમાં 11 બોટ સાથે 6 પાકિસ્તાનીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા। બીએસએફ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ ગુજરાતના કચ્છ કાંઠે આ મોટું ઓપરેશન છે। અત્યાર સુધીમાં માત્ર એકલ દોકલ બોટ ઝડપાતી હતી, પણ આ વખતે મેગા સર્ચ અભિયાનમાં 11 બોટ સાથે ક્રીક એરિયામાં છુપાયેલા શખ્સોને પણ ઝડપી લેવાયા છે। હેલિકોપ્ટરની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે। બીએસએફ ગુજરાતના આઈજીજીએસ મલિકના સીધા નેતૃત્વમાં આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવી રહ્યું છે। પાકિસ્તાની બોર્ડરને અડીને આવેલા હરામી નાળા કાંઠે પ્રથમવાર થયેલા ઓપરેશન અંગે બીએસએફના આઈજીજીએસ મલિકે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મી ઢબે સમગ્ર ઓપરેશન થયું છે। બે દિવસ પહેલા સેટેલાઇટ સર્વેમાં 20 બોટ અને 50 વ્યક્તિઓ જણાઈ આવતા ઓપરેશન હાથ ધરી અને બીએસએફ આર્મી અને એરફોર્સના ટીમ વર્કથી પાકિસ્તાનની 11 બોટો સાથે 6 માછીમારને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે। ने आर्मी और एयरफोर्स की मदद से हरामी नाला एरिया में बहुत ही मेजर एक ऑपरेशन किया है जो अभी भी चालू है, जिसमें हमने 6 पाकिस्तानी फिशरमैन को पकड़ा है और 11 बोट अभी तक सीज की हैं। ऐसा ऑपरेशन जो आप अगर उसकी ऑपरेशनल डिटेल देखेंगे तो बिल्कुल फिल्मी टाइप रहा है। हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल्स ये हैं कि 9th को, मतलब 2 दिन पहले, यूएवी में कुछ बोट्स और कुछ इंट्रूडर्स वहाँ डिटेक्ट हुए हरामी नाला एरिया में, करीब 20 के बोट के आसपास और करीब 50 के आसपास उनका एंटिसिपेशन था कि करीब इंट्रूडर्स अंदर हैं। तो तुरंत ही हमने अलर्ट करके और अपने भी, मैं भी गांधीनगर से तुरंत यहाँ आ गया और थ्रू यूएवी हम ये पूरा मॉनिटर कर रहे थे। तो कल एयरफोर्स की मदद से हमने 3 टीमें जो जहाँ पर ये इंट्रूडर्स थे वहाँ पे हमने कल उतारी। उसमें 2 बीएसएफ की टीम थी और 1 आर्मी की टीम थी। लेकिन इंट्रूडर्स को रात में भी, क्योंकि ये फिशरमैन हैं और उस एरिया से ये, मतलब ये एक 0 पॉइंट विलेज जो पकड़े हैं वो नियर बॉर्डर के पास ही विलेज है, सारे अब जो पकड़े अनपढ़ ही हैं, तो वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो देखकर वो दूर ही भाग रहे थे। तो रात में पकड़ में नहीं आया, लेकिन हमें उनकी लोकेशन पता लग रही थी। तो सुबह में लगा के वो लोग निकल जाएंगे, तो हमने फिर एयरफोर्स से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने प्रॉम्प्टली उस पर एक्शन लिया और उनके हेलीकॉप्टर्स भी रेडी थे और हम सुबह वेट कर रहे थे कि जैसे ही यू नो लाइट आए और यहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ। तो जैसे ही टेक ऑफ यहाँ से किया, हमारी टीमें लखपत में तैयार थी। तो उसमें पहली टीम में हमारे कमांडेंट हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह, ये उसमें पर्सनली थे। टोटल 12 है, बाकी 11 टोटल बाकी थे, टोटल 12 है उसमें। टोटल हमारे बीएसएफ के एक ऑफिसर और बाकी जवान थे। दूसरी भी टीम 12 लोगों की बीएसएफ की थी। तीसरी टीम आर्मी की थी, इसमें 12 है उनके कमांडोज थे, और चौथी बीएसएफ की टीम थी। तो आज जो सुबह जो 4 टीमें एयरफोर्स ने तुरंत ही उनको वहाँ पे पहुँचाया और वो बॉर्डर से लगभग 3 किलोमीटर के आस करीब थे, 3-3.5 किलोमीटर। जैसे ही ये उतरे तो वो बहुत तेज़ी से भागे। सुबह में मैं आपको बताऊं कि ये पता लग रहा था कि उन्होंने एक नाले को भी स्विम किया है, और तो जैसे ही वो दौड़े तो ये वो काफ़ी स्पीड से दौड़े, तो इनका गैप बढ़ा। फिर ये अपने कमांडेंट मिस्टर राजेंद्र सिंह ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए इन्होंने एक बस्ट फायर किया, क्योंकि उनको लगा कि ये बॉर्डर में घुसने ही क्रॉस करने वाले हैं। तो फॉर्चुनेटली उसमें 3 लोग छुप गए, लेकिन बाकी लोग वो दौड़ते रहे। तो जो छुप गए पहले वो 3 हमने पकड़े, क्योंकि अगर एक भी नहीं पकड़ा जाता तो संदेशा होता कि ये डाउट रहता कि कौन लोग आए हैं। तो उनके इंटरोगेशन में पता लगा कि ये फिशरमैन हैं। उसके बाद और भी हमने कॉमिंग ऑपरेशन किया, उसमें 3 और पाकिस्तानी फिशरमैन जो मिले हैं, टोटल 6 मिले। तो मैं यही कहूँगा कि इट वॉज वेरी क्लोज, अगर शायद हम 10-20 मिनट की लेट हो जाते, कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ ग्रेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन बीएसएफ, आर्मी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स का तो कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल इमीडिएट रेस्पॉन्स, और पुलिस ने भी नाकाबंदी की थी, मतलब उनको इधर से जाने का, हालांकि वो पाकिस्तान की तरफ ही जा रहे थे,
और सभी एजेंसियों का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा। सर कुछ चीजें इनके पास मिली हो? इनके मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी बोट मिली हैं सभी में फिशिंग नेट है, सभी में आइस बॉक्स है और कुछ में कपड़े हैं। ये लोग क्या है कि जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ एक फिशरमैन का होता है, वो जाता है 6-7 दिन 8 दिन वहाँ रहता है तो वो अपना चीज़ काफ़ी सामान लेके जाता है। तो बाकी और जैसे दाल, किसी में चावल, किसी में इस टाइप के आइटम्स, क्लोथ्स वगैरह उस टाइप के बाकी में मिले हैं, लेकिन फ़िशिंग नेट और आइस बॉक्स ये सब में मिला है। कुछ में फ़िश भी मिली है क्योंकि ये जब जा रहे थे तो बीच बीच में इन्होंने आग भी जलाई क्योंकि वो केरोसिन वगैरह साथ में ले गए थे। जैसे जब इन्होंने वो कलवर्ट को स्विम करके मॉर्निंग में 5 बजे जब किया तो फिर उसके बाद जाके इन्होंने आग जलाई। तो इस टाइप का ये ऑपरेशन रहा। सर भारतीय सीमा में कितनी अंदर तक वो लोग आ गए थे? ये क्या है कि बेसिकली ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है जो कि एक यूनिक वो है कि इन्होंने क्योंकि पाकिस्तान साइड में फ़िश नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं है वहाँ पे इस बार तो बताते हैं कि फ़िश का बहुत ही हरामी नाला में बहुत कम है। अब आप हरामी नाला को अगर देखें तो ये समुद्र से सबसे पहले G-29 से ये ऊपर क्रॉस होता है, इंडियन से पाकिस्तान में जाता है, फिर ये पाकिस्तान से इंडिया में 3 जगह पे एंटर करता है, 1164, 1166 और 1170। 1170 और 69 मतलब आप एक ही उसके दोनों किनारे हैं। तो 1170 का जो किनारा है, ये जो ये हरामी नाला है ये बहुत बड़ा है, करीब 2 किलोमीटर इसकी विड्थ है। तो इसमें हमारा BSF पॉइंट है, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम रात को जाते हैं, 2-3 दिन वहाँ रहेंगे, फिश लेंगे और फिर रात को ही वापस आ जाएंगे क्योंकि इधर तो पाकिस्तान साइड में तो फिश मिल नहीं रही है। तो उसके हिसाब से एक एक करके ये बोट बिल्कुल लाइन में बंद करके इंजन वगैरह बहुत ही आराम से निकल गए। तो वो क्योंकि विड्थ इतनी है कि और वहाँ थोड़ा फॉग भी हो जाता है तो BSF को वो पता नहीं लगा। लेकिन UAV मिशन हम लोग रेंडमली कराते रहते हैं तो उस दिन UAV मिशन में ये डिटेक्ट हुई और उसके बाद ही हमने ऑपरेशन किया। आगे जो ड्रग्स कुछ पकड़े गए उनसे इनका कुछ कनेक्शन है? नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज प्योरली फिशरमैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी वन कैन से। वहाँ फिश नहीं मिल रही है, उन्होंने रिस्क लिया के इधर से ट्राई कर लेते हैं, बस यही है इसमें। एक्चुअली UAV मिशन क्या होता है? देखिए ये एक जैसे ड्रोन होता है उस टाइप का ही आप मिशन समझ लें बस। ये एयरफोर्स का ये वैसे ऑपरेशन हमारा सर्च ऑपरेशन अभी भी चालू है और इट विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 more days, 2-3 days। सर 3 दिन हम सोच रहे हैं कि जो फिशरमैन आए हैं वो 50-40 कितने हैं, वो 50 के आसपास ऐसा लगता है, लेकिन भागते हुए भी हमने उनको मॉनिटर किया है।